भारत की पनडुब्बी INS वागीर 7000 किलोमीटर का सफर तय कर ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय पनडुब्बी ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। इसे भारत की प्रशांत महासागर में बढ़ती दिलचस्पी से जोड़कर देखा जा रहा है। भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत पहले से ही इस इलाके में तैनात हैं। ये हिंदुस्तान की ताकत है जिसका नाम है INS वागीर। देश की स्कॉर्पियन क्लास की ये पनडुब्बी INS वागीर मुंबई से बढ़ते हुए और बिना रुके लगातार चलते हुए प्रशांत महासागर में पहुंच गई है। ये पहली बार ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। इसी साल जनवरी में कमीशन की गई पनडुब्बी INS वागीर ने करीब 7000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ऑस्ट्रेलिया तक अपना रास्ता बना लिया है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय पनडुब्बी ने एक ही बार में 7000 किलोमीटर की समुद्री यात्रा तय की हो। इंडियन नेवी के मुताबिक ये पनडुब्बी अपने मिशन पर जून 2023 में निकली थी, जो आज ऑस्ट्रेलिया के फ्रेमेंटल पहुंच गई है। INS वागीर पनडुब्बी वही है जिसे भारतीय नौसेना की पांचवी कलवरी क्लास की पनडुब्बी के रूप में जाना जाता है। इसे इसी साल जनवरी में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था और मुंबई में कमीशन किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर श्रीलंका में एक बंदरगाह कॉल को छोड़कर पनडुब्बी ने कोई अन्य बंदरगाह कॉल नहीं किया है। नेवी ने ये भी बताया कि जून में अपनी ऑपरेशनल तैनाती शुरू होने के बाद INS वागीर पनडुब्बी लगभग 7000 किलोमीटर या 4000 समुद्री मील से कुछ ज्यादा की दूरी तय कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि INS वागीर श्रीलंका में रुकने के बाद से लगातार चल रही है और इस गति के आधार पर ये हर 3-4 दिनों में फिर से सतह पर आ जाती है, ताकि समुद्र की गहराई में फिर से डूबने से पहले कुछ घंटों के लिए अपनी बैटरी को रिचार्ज कर सके। INS वागीर की इस तैनाती से और उसके इस तरह बिना रुके यात्रा करने से पता चलता है कि भारतीय नौसेना पूरी दुनिया में जब और जहां चाहे मिशन को अंजाम दे सकती है। ऑस्ट्रेलिया में INS वागीर यहां के पश्चिमी तट पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की यूनिट्स के साथ कई प्रैक्टिस में भाग लेगी। इधर ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर भारतीय नौसैनिक जहाज और विमान 11 से 21 अगस्त के बीच मालाबार अभ्यास चल रहा है और 22 से 24 अगस्त के बीच ओसेंडेक्स में पहले से ही भारतीय जहाज अपनी ताकत का प्रदर्शन करने वाले हैं। ऐसे में वागीर की तैनाती अहम है। इसकी तैनाती के दौरान पनडुब्बी रोधी अभ्यास भी निर्धारित है। इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई नौसेना की पनडुब्बियां भारतीय नौसेना के PHI विमान INS वागीर के साथ अभ्यास करने वाले हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने प्रशांत महासागर में काफी तेजी से ध्यान देना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र में चीन और अमेरिका के साथ साथ फ्रांस और ब्रिटेन भी अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगे हैं और अब भारत भी अपना दम दिखाने पहुंच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। INS वागीर कलवरी क्लास के पहले बैच की 6 पनडुब्बियों में से एक है। इसे रक्षा एक्सपर्ट साइलेंट किलर शार्क कहते हैं। ये चकमा देकर हमला करने में माहिर है। समुद्र में जब ये गोता लगाती है तो दुश्मन को इसका पता तक नहीं चलता। इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है। आइए बताते हैं आपको इसकी खासियत क्या क्या है। INS वागीर अपने आप में बहुत खास है। ये दुनिया के बेहतरीन सेंसर्स और टारपीडो के साथ है। इसमें 533 mm के 8 टारपीडो ट्यूब हैं, जिनमें मिसाइलें लोड होती हैं। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से ये लैस है। विशेष अभियानों के लिए समुद्री कमांडो को लॉन्च करने की क्षमता है। एंटी सबमरीन युद्ध, खुफिया सूचना जुटाने, समुद्र में बारूदी सुरंग बिछाने और सर्वेलांस के कामों में इसका इस्तेमाल होता है। समुद्र के तट पर और मध्य समुद्र दोनों जगह तैनात हो सकती है। समुद्र में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है।
इसके अलावा समुद्र की सतह पर एक बार में करीब 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। समुद्र के अंदर ही समुद्र के भीतर ये एक बार में 1,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। करीब ज्यादा से ज्यादा 350 मीटर की गहराई तक ये जा सकती है। लगातार 50 दिन तक समुद्र के अंदर रह सकती है। ये बेहद खामोशी से अपने मिशन को अंजाम देती है, इसीलिए इसे साइलेंट किलर कहा जाता है। स्टील्थ तकनीक से ये लैस है, जिसके चलते रडार भी आसानी से इसे पकड़ नहीं पाते। इसकी खूबियों को देखते हुए इसे सेंट शार्क का नाम भी दिया गया है।